नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये भाई के साथ बैटरी वाली गाड़ी में हमने ये सफ़र यहाँ बड़ी चौपड़ से, इधर हवा महल और ये इधर बड़ी चौपड़, यहाँ से हमने शुरू किया। ये सामने हवा महल का रास्ता भी है, तो यहाँ से आप हवा महल देख सकते हैं अंदर जाके टिकट लेके। और ये सामने का व्यू, यहाँ से हम चांद पॉल तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको पुरानी सिटी का आज पूरा आनंद मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये हमारा सफ़र भाई के साथ शुरू हो गया। यहाँ से अभी दिख नहीं रहे आपको, आपको दिखाओगे? ये देखो, अभी देखो, ये भाई के साथ में बड़ी चौपड़ से। और भाई एक्साइटेड था कि मेरे को कैमरे में ले लो, तो मैंने भाई को कैमरे में ले लिया। और बड़ी चौपड़ से हमने चांद पॉल का सफ़र शुरू कर दिया है। ये भाई वैसे सिंधी कैंप तक जाएगा, सिंधी कैंप की सवारी इनको मिल गई है। हम लोग चांद पॉल तक इनके साथ जा रहे हैं। सीताराम जी के साथ में हम ये सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से हो सीताराम जी? हम हैं दौसा जिला। गांव हरिपुरा। हरिपुरा से हैं भाई सीताराम। गुजर हो गया? सैनी। सीताराम सैनी जी हैं ये। गर्म क्यों हो रहा है? ये तो भीड़ जाने गर्म क्यों हो रहा है? गर्मी पकड़ता है। हाँ गर्म हो रहा है, गर्मी बाहर है ना, गर्मी पकड़ता है क्या? गर्मी कितना है सीताराम जी, आप बाहर देखो ना, बहुत तेज है। आज तो फिर भी कम है। हाँ बारिश हो गई तो थोड़ा कम होगा। चार दिन से तो ऐसे हो रहे थे, तपरे थे। चार दिन से बहुत तेज थी, सही बात है। आप? मैं शेखावाटी से। शेखावाटी गए हो क्या कभी आप? नहीं। कभी नहीं गए? नहीं। जयपुर तक आए हो आप? दौसा से जयपुर, जयपुर से वापस दौसा, ऐसे चलते हैं। वो तो वहाँ तो जाना पड़ता है। हाँ वो तो जाना पड़ेगा, विश्राम का घर है। हाँ वो तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ तो अपने लोग हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। अपने तो अपने होते हैं, सही बात है। अपने नहीं है तो कुछ भी नहीं। पीछे बस आ रही बच के रहो भैया। आप चिंता नहीं करो यार, सीताराम जी आप तो अपने आदमी हो। अच्छा आपको तकलीफ थोड़ी होगी, पीछे बस आ रही है आपके, पीछे बस आ रही है, बस से बच के रहो। बस वाला धमकी दे रहा। क्यों क्या बोलते आपको? रोक क्या फाइन देगा? मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए आया, बता देता हूँ इनको। अभी जो आपने देखा स्क्रीन पे, पुलिस ने इनको रोक लिया था। अभी 7 दिन का अभियान चल रहा है जयपुर में। आगे सवारी नहीं बिठानी है, ये जो बैटरी वाली गाड़ी है इसमें आगे सवारी नहीं बिठानी है, ऐसा इनका अभियान चल रहा है अभी। तो इनको रोक लिया, लेकिन लकीली इनको छोड़ दिया उन्होंने, मैडम अच्छी थी वो, नहीं तो इनका 1100 का कितना फाइन होता सीताराम? 1100 वाली करते। हाँ 100-200-500 का फाइन होता ही होता, तो 1100 बोल रही थी लेकिन छोड़ दिया। फिर आरसी वगैरह देखा, लाइसेंस देखा, सब देख के छोड़ दिया। तो ये ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, तो आप थोड़ा ध्यान से चलाएंगे तो सीताराम जी, ऐसा रिस्क नहीं लो, नुकसान हो जाता ना फिर। 10 रुपये के लिए आप जो है वो 100-200 का फाइन आ जाएगा, 500 का फाइन आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा, तो क्या करोगे? तो इसलिए बच के रहा करो, आगे की जरूरत थोड़ी, आगे बैठना। मैं तो पीछे बैठा था, मेरे को दिख गया था ये आगे से उतरने का, आगे वो बस वो आ गया। नहीं वो आ गया और बीच में फिर कटा गए, वहाँ रोक नहीं सका। नहीं तो भाग जाते थे। नहीं उधर ही रोक के आप उतार ना। हाँ उतार देते थे, पहले उतार देते, फिर आगे बुला लेता। हाँ नहीं ये तो सही था, करना पड़ता है, लेकिन क्या करें। इधर बस आ गई, बीच में कटा गया, चलो मैं अब जो बस आराम करेगा, आराम करे सो भला करे। अभी ये बैटरी वाली गाड़ी में यहाँ तक हमने ये सफ़र किया। और ये चांद पॉल गेट,
इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।